2018 दो हज़ार अठारह के बाद मकसद कहने का ये है देखिए जिनको आप गंजा कह रहे हैं एग्जैक्टली exactly गंजों के बारे में और इसकी आरकाई पूरी मौजूद है जब हम जियो में मौजूद थे जब आज टी मौजूद थे जरदारी साहब एंड व्हाट नॉट सब किया लेकिन जब कोई भी बंदा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके एक सोसाइटी ख़राब करने की कोशिश करेगा भाई तो उसके खिलाफ बात होगी जब वो हाथ में तस्वीर रखेगा तो बात होगी जब वो मदीने की हिरासत बोलेगा तो बात होगी मेरे भाई जब वो अमीरुल मोमिनीन बनेगा तो बात होगी चाहे वह नवाज शरीफ चुना हो हेलो अस्सलाम वालेकुम गुजशत वीकेंड के एल था कराची लिटरेचर फेस्टिवल तो उसमें एक सेशन था जिसकी क्लिप्स आपने कुछ वायरल होती हुई देखी होंगी उसमें नदीम फ़ारूक पराचा थे मुर्तज़ा चौधरी थे मुस्तफ़ा चौधरी थे अंबर शमसी थी और मैं था कॉमेडी के ऊपर हम एक गुफ्तू कर रहे थे उसकी कुछ क्लिप्स आउट ऑफ कॉन्टेक्ट लेकर उनको जानबूझ एक गलत रंग देकर वायरल किया जा रहा है तो मैंने सोचा कि इस कॉन्ट्रवर्सी को एड्रेस कर लिया जाए जिस तरह के लास्ट वीक भी मैंने पोस्ट किया था कि एक सोशल मीडिया टीम ने फैसला कर लिया है कि नदीम फ़ारूक पराचा और ना कराची ना पाकिस्तान ना इससे बाहर जिंदा रह सकते हैं तो हम कुछ भी करेंगे कुछ भी बोलेंगे तो उसको हमें कैंसिल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आपसा कोमल पॉडकास्ट के साथ भी ये हुआ वो फेल हो गए तो अब ये एक नई कॉन्ट्रवर्सी शुरू हुई है कि जी हम लोगों ने लेजेंड्स को इंसल्ट किया है एग्जैक्टली जो बात हुई जिस तरह हुई उसको एग्जैक्टली उसी तरह सुन लें ताकि आपको एक बेहतर आइडिया हो कि बात क्या हुई है किस कॉन्टेक्स में हुई है किस जुमरे में हुई है ताकि क्लिप्स पे लोग गुस्सा ना करें लिसन टू एक्चुअल दानवर्जेशन आपने शहजाद शायद अभी मैंने थोड़ा सा मिस भी किया था आपने जिक्र किया इशारतन या तो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो मजाक उड़ाया जाता है किसी बलोची का या पठान पंजाबी है, तो मोइन अख्तर साहब ने कोई हज़ारों की तादाद में कैरेक्टर्स किए मेमन किया पठान सब किए तो उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए नहीं किए उसको प्रोग्राम को मजेदार बनाने के लिए किए उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया मैडम की नकलें उतारी गई ताहरा सैयद की नकल उतारी गई तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा आपका है ना, उसमें फ़र्क है आपका नाम जान सकते हैं मेरा नाम अज़रा मोहिद्दीन है अजरा मोहिद्दीन अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूँ बताइए उन्नीस सौ इकहत्तर में हमारे मुल्क की आर्मी गई एक दूसरे मुल्क में वहाँ पर जेनोसाइड हुआ उसके बाद आर पे एक शो आता है जिसमें मोइीन अख्तर ब्लैक फेस करके बंगाली बनकर hmm. एक बंगाली इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं नियत उनकी साफ हो उनकी समझ में थोड़ी कमतर हो एक सोसाइटी जिसने दूसरी सोसाइटी के ऊपर जेनोसाइड की हो अगर आप उस बंगाली का बंगाली होने पे मजाक उड़ा रहे हैं आई थिंक वी नीड टू क्वेश्चन हु वी वी आर आर वेयर मजाक नहीं उड़ा नहीं। रहे अगर इस वक्त आप मजाक नहीं उड़ा रहे अगर इस वक्त आप इसराइली टेलीविजन देखें और वहां पर कोई इसराइली A Palestinian character, kar raho, wouldn't you be disgusted by of that? Of course, of course, I So then, be why are you not disgusted when we committed a genocide and we make fun of the victim? Because it was out of our hands. I wish I was there At to control all of that. Maybe not mocking the victim is in our hands. No, <laughs> yeah. I think that's settled. Shizad has answered well. Next question, please. देखिए लेजेंड्स के बारे में इस तरह की बात करना गलत होती अच्छा है पठान का एक खास तरीके से मजाक उड़ाया है वो उसको हमने रेडिक्यूल करने की हद तक ही उड़ाया और उसको आज तक हमने वही बेवकूफ़ी से जोड़ा हुआ है ना तो वही मजाक है जिनको हमने अच्छा समझ के नेशनल टीवी पर चलाया और आज जो है खास कबीला तबका या जबान

कराची पंजाबी एक्टर हम पचते हैं हम हम है। तुमने इनके है हाथ में धन दिया अब इस बात का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं कि किसी का नाम लिए बगैर मुर्तजा चौधरी भाई ने बोला था कि किसी के मज़हब का किसी के रंग का किसी की एथेसिटी का किसी का सिंधी होने पे पंजाबी होने पे पश्तून होने पे बलोच होने पे अगर मजाक उड़ाया जाए तो उसको वो गलत समझते हैं हमने किसी का नाम नहीं लिया किसी की निशानदेही नहीं की अब ये एक मेरी राय है कि एक तबका है एक ख़ास तबका है एक लीड क्लास है पाकिस्तान में जिनको लगता है कि हम वैन गार्डस हैं हम प्रोटेक्टर्स हैं हम जिस चीज़ को कल्चर कहेंगे हम जिस चीज़ को लिटरेचर कहेंगे वो लिटरेचर होगा इसी वजह से अमान उल्ला लिटरेचर नहीं कंसिडर किया जाता अमानत चंद लिटरेचर नहीं कंसिडर किया जाता वो एक सर्टन क्लास से नहीं बिलोंग करते थे हिस्टोरिकली अगर आप उमर शरीफ की भी बातें सुने उमर शरीफ का कई काम है जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है लेकिन ऑन द क्लास फैक्टर ही ऑल्सो सैट कि मैं जब लाहौर गया था तो एक सर्टन क्लास थी जिसको लगता था हम जो परफॉर्म करते हैं वो थिएटर है वो परफॉर्मेंस है, है और आप लोग जो करेंगे अगर उमर शरीफ स्टेज पर जाते हैं तो वो माजरत के साथ जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कंजर खाना है जबकि जो कंजर लफ्ज़ है उसको एक इंसल्ट भी इसीलिए बनाया गया कि एक बरदरी थी एक कम्यूनिटी थी जिनका नाम था कंजर लेकिन उनका अक्सर ताल्लुक़ जो है वो शाही मोहल्ला परफॉर्मिंग कल्चर से था जिसको कमतर कन्सिडर किया जाता था जिसमें हमारी हाई ब्राउ सोसाइटी है हाई क्लास सोसाइटी है वो उसको परफॉर्मेंस नहीं कन्सिडर करती थी वो उसको कंजर पाना कंसिडर करती थी तो इसीलिए ये डिस्टिंगशन ड्रॉ होती है कि भाई एक तरह का परफॉर्मेंस, एक तरह का कल्चर एक तरह का जो हाई ब्राउ सोसाइटी में परफॉर्म हो रहा है वो कल्चर है वो लिटरेचर है और बाकी सब जो है ना वो कंजरपना है क्योंकि ये गरीब लोग कर रहे हैं ये अनपढ़ लोग कर रहे हैं ये जाहिर लोग कर रहे हैं जबकि आप इस खत्े की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखें मैंने अपनी जो थीस है वो इस खत्े की परफॉर्मेंस थिएटर हिस्ट्री पर ही की है उसके जो रूट्स बनते हैं वो अगर पारसी थिएटर कंपनी से आते हैं वो अगर नौटंकी से आते हैं वो अगर भांड से आते हैं वो सारे उस तरह के परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं जिनको आप आजकल लो ब्राउ कन्सिडर करेंगे और ये तारीख में हमेशा होता है कि जो मास पॉपुलस इंटरटेनमेंट होती है पॉपुलर इंटरटेनमेंट होती है वो शायद अपने वक्त पर हाई सोसाइटी लिज सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना करे उसको बुरा भला समझे लेकिन वो जब तारीख लिखी जाती है उसके बारे में लिखी जाती है क्योंकि वो ड्राइंग रूम्स और इलीट कमरों में नहीं इन्जॉय हो रही वो पूरे शहर के जो लोग हैं मुल्क के जो लोग हैं वो उसको इन्जॉय कर रहे हैं आपको शायद आज ये ताजुब हो जानकर करके शेक्सपियर को भी लो ब्राउ इंटरटेनमेंट कंसिडर किया जाता था वलगर कंसिडर किया जाता था उसमें जो दो मायने जोक्स हैं उनको कंसिडर किया जाता था कि ये तो बहुत लो ब्राउ इंटरटेनमेंट है लो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी के लिए है आजकल इन्हीं सबसे हाई ब्राउ सोसाइटी जो स्कूल्स हैं उनमें शेक्सपियर पढ़ाया जाता है क्योंकि शेक्सपियर का जिक्र आ गया है तो एक और जो तनकीद आती है कि भाई ठीक है ये सारी बातें सच हैं आप कौन होते हैं ये चीज़ें बोलने वाले एक तो मेरी सनत है मेरी मास्टर्स है मैंने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ मैंने कॉमेडी ड्रामा की सारी हिस्ट्री पढ़ी हुई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ी हुई है परफॉर्मिंग स्टडीज़ पढ़ी हुई है पर अगर ये ना भी पढ़ा हुआ होता तो आप बात कर सकते हैं मैं अगर अमेरिका जाऊँ और मैं शेक्सपियर पे एक आर्टिकल लिखूं या मैं एक पेपर लिखूं कि क्या क्या ख़राबी थी क्या क्या बुराई थी कोई मुड़कर मुझे ये नहीं कहता कि आप कौन होते हैं शेक्सपियर पे <coughs> लिखने वाले क्योंकि उन्होंने इस तरह खुदा नहीं बनाया हुआ देर लेजेंडस देर लिटरी फिगर्स आर ओपन टू क्रिटिसिजम देर ओपन टू डिस्कशनस के ठीक है थामस जेफरसन हमारे फाउंडिंग फादर थे थॉमस जेफरसन की बहुत इज्जत है थामस जेफरसन को पढ़ाया जाएगा लेकिन अगर कोई कहता है भाई थॉमस जेफरसन स्लेज भी ओन करते थे ये उनकी एक खराबी है दीज डिस्कशन आर अलाउड टू हैपन अनफॉर्चुनेटली हमने जाओ जिन लोगों को पाकिस्तान में लेजेंड्स का रुदवा दे दिया है उनके काम पे अगर कोई डिस्कशन भी करे कोई तनकीद भी करे उसको ब्लैस फर्मस कंसिडर किया जाता है कि आप ये कर कैसे सकते हैं ऑब्वियसली इसमें एक पर्सनल एलिमेंट भी आ जाता है अगर ये आपके दोस्त थे आप आ, तो आपको एक पर्सनली बुरा लगता है कि नहीं इनका तो कोई काम बुरा नहीं हो सकता जबकि जाहिर सी बात है कोई काम अगर पब्लिकली करेगा पब्लिकली पुट आउट करेगा तो जहां उसको हज़ारों करोड़ों लोग पसंद कर रहे हैं कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी उस काम का होना जरूरी है या माशरे पे जो अफेक्ट आया है उनके काम का उसका डिस्कशन भी ज़रूरी है आ, इसी नियत से हम लोगों ने वो डिस्कशन शुरू किया था मैंने नहीं मोन अख्तर साहब का नाम लिया ऑडियंस से किसी ने मोन अख्तर साहब का नाम लिया तो वो शायद उनको जानती थी मुझे बाद में पता चला आ, कि शी, शी इज़ किन्वॉल्व इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो क्राउड से जिन्होंने सवाल पूछा था तो शायद वो उनकी दोस्ती हो उनकी जान पहचान हो तो वो कह रही थी नीयत उनकी कभी नहीं थी देखें हमें तो नहीं पता किसी की क्या नीयत होती है एंड जनरली मुझे लगता है कमीडियंस को हमें लीवे ज़रूर देना चाहिए स्पेशली जब आप पास्ट का जिक्र कर रहे हो क्योंकि आज की जो सेंसिबिलिटीज़ हैं वो शायद 90s की सेंसिबिलिटीज़ ना हो वो शायद 80s की सेंसिबिलिटीज़ ना हो वो शायद 70s की सेंसिबिलिटीज़ ना हो लेकिन जब हम अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स तारीख देख रहे होते हैं हमें उस चीज़ को कंटेक्चुलाइज करना चाहिए कि आज हम जो जहां पहुंचे हैं तो उसमें जो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स का कल्चर था जो परफॉर्मेंसेस थी जिस तरह के टीवी ड्रामे आ रहे थे उसने किस तरह से सोसाइटी का माइंड शेप अप किया अगर आप हक के वक्त देखें तो औरत अगर पीटीवी पे आएगी तो वो बुरका पहने बुरका नहीं चले आ, सर पे दुपट्टा पहनेगी लेकिन साथ साथ ये जो मुजरे हो रहे हैं ये अलहमरा पे हो रहे थे तो एक सवाल आता है कि एक इस्लामाइजेशन की तरफ मुल्क जा रहा है तो ये चीज़ें साथ साथ कैसे हो रही हैं बज़ाहिर इसमें आपको एक ताज़ा नज़र आता है लेकिन एक ताज़ाद नहीं है क्योंकि ये भी एक स्टेट नैरेटिव पुट फॉरवर्ड कर रहा था कि अगर औरतें घर से बाहर आएंगी तो फिर ये होगा इनके साथ तो दो औरतें डिस्टिंक्ट कर दी गई कि एक इज़्ज़तदार औरत होती है जो घर में रहती है जो दुपट्टा पहनती है जो भुरा पहनती है जिसकी इज्जत है माशरे में और एक बाहर वाली औरत होती है और ये ट्रोप जो है ये आज तक आपको ड्रामों में नजर आएगा कि जिसको मजाक भी उड़ाया जाता है कि फॉरेन कज़न आ गई हैं ये स्टेज शो कल्चर से एक ट्रोप निकला है जो आजकल हमारे ड्रामों में भी आपको अक्सर नज़र आएगा कि फॉरेन गर्ल फॉरेन इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कल्चर वाली औरत बुरी और जो घर में औरत रहती है वो अच्छी है जो घर से बाहर नहीं जाती वो अच्छी है उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए इसीलिए खलील रहमान कमर जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं कि एक ख़ास औरत की सिर्फ इज़्ज़त होती है सो कमिंग बैक टू वट आई सेड देखें आप मिमिक्री बुरी चीज़ नहीं है मैं मुस्तफ़ा चौधरी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनका कोई अस्सी नबे फ़ीसद काम ही है मिमिक्री इमिटेशन का है बहुत अच्छी चीज़ है बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है लेकिन जो भी काम हो रहा है उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है अगर मैं आपको थोड़ी तारीख भी दे दूँ तो ब्लैक स्टेरियोटाइप्स काले लोगों के बारे में जो स्टेरियोटाइप्स या रेसिज्म आम हुआ है उसमें परफॉर्मेंस और थिएटर का भी बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि ब्लैक मिनस मिनस्टल्सी शोज़ होते थे कि ये जगह जगह जाते थे एक गोरा आदमी अपना मुंह काला करके ब्लैक फेस करके एक स्टूपिड कैरेक्टर बनाता था जो यूजुअली ब्लैक कैरेक्टर होता था तो ऑडियंस में ये एक आइडिया परपैचुएट करता गया स्टेडियोटाइप पर करता गया कि काले लोग जो होते हैं ये कमतर होते हैं ये जानवरों से करीब होते हैं ये जाहिल होते हैं और उससे फिर लोगों में रेसिजम बढ़ा या दूसरों की तरफ एक एहसास कमतरी कि हम कमतर ये हमसे कमतर हैं ये इंफीरियर हैं वो भी Uh, पैदा हुआ इवन ब्लैक लोगों को ख़ुद को भी एक इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया इसी तरह अगर एक मुल्क है वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड की काफ़ी बदतर सलूक किया उन लोगों के साथ उस मुल्क के एक टीवी चैनल पर और एक ऐसा टीवी चैनल जिसके लोगों में एम नज़र भी नहीं आ रहा होता अगर आप मुंह काला करके बंगाली बनकर उनका मजाक उड़ाएंगे तो मैं मान लेता हूं आपकी नीयत ये होगी कि हम लोगों को हंसाना चाहते हैं लोगों को एंटरटेन करना चाहते हैं लेकिन उस काम के पावर डायनामिक्स विल नीड टू बी एनालाइज्ड जस्ट बिकॉज दिस पीपल वर लेजेंड जस्ट बिकॉज वी आर ऑल फैंस ऑफ जिस तरह मैंने के में भी बोला कि शायद मोइन अख्तर से बड़ा कमेडियन बड़ा टैलेंट uh, पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं आया मेरे दिल में उनके लिए बहुत बड़ी इज्जत है और हम शायद सारे मिलकर भी सारी जिंदगी काम करें तो उनके बराबर वो काम नहीं कर सकते आई एम ह्यूज फैन ऑफ हर हिज वर्क हर इसलिए हो गया क्योंकि मैं बुशरा अंसारी का भी सोच रहा था कि मैं उनके भी uh, काम का बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन कुछ काम प्रॉब्लमेटिक है आज कल के दौर में लूस्टॉक जैसा शो नहीं बन सकता क्योंकि हमें समझ में आ गई है कि किसी का मजाक उड़ाना सिर्फ इस बात पर कि उनकी एथनिसिटी ये है या ये प्रमोट करना कल्चर कि जो लोग उर्दू बोलते हैं साफ़ सुथरी उर्दू बोलते हैं वो पढ़े लिखे हैं भले उनकी एथनिसिटी जो भी हो जिस तरह पीटीवी में भी एक वक्त था कि आप कि उर्दू अगर ख़राब है रिगार्डलेस आप जिस भी तबके से आते हैं आपको नहीं आने दिया जाएगा या आप टीवी पे नहीं आ सकते तो वो पढ़ा लिखा होने का तहजीब वाला होने का हमने एक क्राइटेरिया बना दिया था जबान भले आप पंजाबी लिटरेचर में एम ए हों भले आपको बुल्ले शाह रटा हुआ हो आपकी उर्दू कितनी साफ़ है उससे ये फ़ैसला किया जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं सो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आर टाइट स्टेटस जो है सोसाइटी में वो टीयर्ड सिस्टम में आ गया है कि अच्छा जी एक इंग्लिश स्पीकिंग है एक उर्दू स्पीकिंग है उसके बाद वो लोग हैं जो रीजनल ज़बाने बोलते हैं इस सब ज़ुमरे में मेरे नज़र में मोय अख्तर साहब का एक बंगाली कैरेक्टर बनकर बंगालियों का मजाक उड़ाना एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ ऑलरेडी वेस्ट पाकिस्तान में इस रीजन में दैट इज़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान देर इज़ अ लॉट ऑफ रेसिज्म अराउंड बंगालीज दैट एग्जिस्ट एक एहसास है कि वो तो कमज़ोर से लोग थे वो तो काले है वो लोग तो हमसे कमतर थे बदतर थे वो हिंदुओं से ज़्यादा करीब थे जब ये किताबों में पढ़ाया जाता है जब ये बताया जाता है जब तारीख़ में हमने जुल्म ढाए हुए हैं उन पर तो इस चीज़ को मैं पंचिंग डाउन कंसिडर करता हूं कि आप एक तबके को जिस पर आपने जुल्म किया है उसका मजाक उड़ाना ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं अगर आप कुछ आजकल इजरायली टीवी देखें वो भी हो सकता है कि वहाँ के लेजेंड्स हो हो सकता है वहाँ के जो एक्टर्स हैं उनका निन्यानवे फ़ीसद काम बहुत अच्छा हो लेकिन आज अगर वो फ़लस्तनी बनकर बैठे हुए हैं कोई लू स्टॉक जैसा शो अगर आप सोचें आज इसराइली टी वी पर आ रहा होता है और एक कैरेक्टर उसमें जो इसराइली हैं फ़लस्तनी बने बनकर बैठे होते और इंटरव्यू दे रहे होते और फ़लस्तीियों का मजाक उड़ा रहे होते आपको कैसा लगता आपको बुरा लगता ना तो आप उसी नज़र से आप देखें कि अगर एक बंगाली हैं वो देख रहे हैं उनकी तारीख़ क्या है उनकी तारीख़ में वेस्ट पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया है अब वो पाकिस्तानी टी वी जब देखें तो कोई वेस्ट पाकिस्तान से अपना मुंह काला करके बंगाली बनकर बैठा हुआ है और मज़ाक उड़ा रहा है तो वो जो पावर डायनामिक्स हैं वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसका उस कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है इसको कई लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट करके वायरल करने के लिए इस तरह की हेडिंग दी के कि रियाज कह रहे हैं कि मोन अख्तर का, का काम बहुत ज़्यादा मसला पैदा करने वाला था प्रॉब्लमेटिक का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था और मैंने के एल एफ पे भी कहा था कि प्लीज़ हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको खुदा मत बनाइए अब राहत फ़तेह अली खान है बहुत अच्छा गाना गाते हैं उनका काम बहुत अच्छा है लेकिन जो उनकी वीडियोस लीक हुई हैं लोगों को मारते हुए अपने आ, मुलाजिम को मारते हुए तो वी वी शुड क्रिटिसाइज़ दैट अगर वो कहते हैं उस्ताद शागिर्दी कल्चर में ही तो आम है कि जो उस्ताद है वो शागिर्द को मारता है वी शुड क्रिटिसाइज़ दैट आप उस क्रिटिसिज्म को नहीं रोक सकते ये बोलकर कि वो तो लेजेंड है आपका क्या गाने का करियर है आप पहले इतनी कवालियाँ गा के दिखाएं नहीं जी हम मानते हैं कि जो उनका काम है या जो बाकी कवाल हैं उनका काम है हम उनके काम की इज्जत करते हैं लेकिन अगर उनकी आ, काम के साथ उनकी ज़ात के साथ ये चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं दे शुड बी ओपन टू डिस्कशन और मेरी खुद का एक कॉमेडी के रिगार्डिंग एक व्यू पॉइंट है जिसको मैंने पढ़ा है जिसको मैंने इतने सालों परफॉर्म किया है नॉट टू से दैट आई हैव नॉट मेड मिस्टेक्स आई हैव हैड टू अपोलोजाइज फॉर सर्टेन जोक्स बिकॉज एक कमेडियन का काम होता है ना कि आप बाउंड्री पुश कर रहे होते हैं कभी कभी आप भी नहीं रियलाइज़ करते कि जी आप बाउंड्री पुश करने के चक्कर में कोई बाउंड्री से छः किलोमीटर आगे चले गए एल क्रॉस कर दिए एंड यू मेक मिस्टेक्स विच इज़ वाई आई फील दीज वर मिस्टेक्स दैट वर मेड और जब ये डिस्कशन हो गया क्राउड uh, से एजिटेशन आना शुरू हो गई कि आपने कैसे मुहिन अख्तर साहब को क्रिटिसाइज़ किया तो फिर मेरे ख़्याल से इस तरह की भी बात की हम लोगों ने किसी ने कहा कि आप लोगों ने क्या किया जबकि आप मुस्तफ़ा चौधरी मुर्तजा चौधरी का काम देखें फोर मैन शो में जाके हिस्ट्री देखें मुस्तफ़ा चौधरी जनरल शुजा पाशा बनकर जो उस वक्त ऐसा एक हेड थे उनकी मेमरी करके भी टी वी बैठे हैं जो टी वी शो चला है आप आज के ज़माने में ये इमेजिन कर सकते हैं आज के ज़माने में जब टीवी पे पॉलिटिकल कॉमेडी हैज़ बिन रिड्यूस टू के जी इनकी उर्दू ख़राब थी या जिस तरह चौ, चौधरी शुजात हैं उनके बारे में जिस तरह की बातें की जाती हैं या किसी की माँ बहन गली इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है उस ज़ुमरे में अगर आप सैटायर की वैल्यू देखें कैन यू इमेजिन दैट समबडी कैन मिमिक और क्रिएट अ कैरेक्टर बेस्ड ऑन दीज इंस्टिट्यूशन विच वेर नॉट इवन अलाउड टू डिस्कस तो वो काम फोरमैन शो वाले कर चुके हैं एक वक्त पर उसकी प्राइस पे कर चुके हैं इसीलिए मैं उनके काम की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ इसी कॉन्टेक्स में आ, कहा गया था कि जी अनवर मकसूद की तरह किसी के पठान का पठान होने पे मजाक नहीं उड़ाया था हम लोगों ने किसी का पश्तून हो पश्तून होने पे मजाक नहीं उड़ाया गया था हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुई थी अनवर मकसूद की जिसमें वो एक सिंधी कैरेक्टर को बहुत एक हकारत से दिखा कर एक जाहल दिखाकर एक एक्सेंट बनाकर बैठकर उनका मजाक उड़ा रहे थे जिस जिसपे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था फिर उन्होंने यूट्यूब से वो वीडियो हटाकर अपोलोजाइज भी किया था दीज आर हेल्थी थिंग्स राइट बिकॉज देर सर्टन पीपल हु आर स्टक इन द कॉमेडी दैट दे वर डूइंग ट्वेंटी थर्टी ईयर्स इन द पास्ट जब शायद वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं थी एंड मोन अख्तर साहब का टैलेंट इतना ज़्यादा था और वो इतने अच्छे थे कि हम मेजमराइज़ हो जाते थे उनके टैलेंट से एंड वी वुडेंट गेट इन टू द टेक्निकलिटीज़ और वी वन ड्रिटिकल एनालिसिस जब मोन अख्तर साहब का एज नहीं था अनवर मसूद साहब के पास और उन्होंने खुद वो एक्टिंग की तो फिर वो जारिंग भी थोड़ा हमें ज़्यादा लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है एक सोसाइटी जहाँ पाकिस्तान में हमारी कराची और पंजाबी और वो भी नॉर्दर्न पंजाबी एलीट है देव कंट्रोल द स्टेट नारेटिव देव फर्दर स्टेट नारीटिवस जहाँ बलोच लोगों के साथ जो किया जाता है हम सबको पता है सदन पंजाब का जो सूबा है सराय की वसेब है उसके हक उसको नहीं दिया जाते पश्तूनों के बारे में जिस तरह की गुफ्तु की जाती है सिंधियों के बारे में जिस तरह की गुफ्तु की जाती है कि आप अगर कोई सिंधी नज़र आ जाए कराची में तो बस वो जहल ही होगा या कोई सराइकी आ जाए तो वो मोबाइल चोर ही होगा इस तरह के कल्चर और इस तरह के जोक्स जब आम हों तो जो लोग इन पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग कल्चर क्रिएट कर रहे हैं कॉमेडी क्रिएट कर रहे हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड अनफॉर्चुनेट लॉ टाइम्स वी मिस्टेक और ये रिकी जवेस ने भी कहा था कि द टॉपिक ऑफ द जोक एंड द टारगेट ऑफ द जोक आर सेल्डम द सेम थिंग अगर किसी चीज़ के बारे में गुफ्तू की जा रही है ज़रूरी नहीं है आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं आपको अनपैक करना पड़ेगा कि जोक का टारगेट कौन है ज़ाहरी बात है अगर आप बंगाली बने हुए हैं और आप बंगालियों को जाहिल दिखा रहे हैं तो बंगाली जोक का टारगेट है अगर आप सिधी का सिंधी होने पे मजाक उड़ा रहे हैं या जब अदील अफजल साहब आए थे जब पहले कई टैबलेट मैगजीन्स ने गटर जर्नलिस्ट ने हमारी वीडियोस यूज़ करके कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी कि हम लोगों ने कुछ वी शुड अपोलिजाइज़ अदील भाई ने क्या बोला था अदील भाई ने बोला था कि अनवर मकसूद ने किसी महफिल में एक बात की कि हमारा कल्चर बहुत डेनिग्रेड हो गया है कि पहले स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती थी आज स्कूलों में सिंधी पढ़ाई जाती है इस बात पे कई लोग हंसे थे अब आप बताएं कि ये एक पूरी सोसाइटी एक पूरी एथनिसिटी एक आप कल्चरल स्टार्टिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं ना कि जिस स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाए तो वो पढ़े लिखे लोग हैं और अगर सिंधी पढ़ाई जाए तो वो सारे जाहिल हैं अब तो हमारा स्कूलिंग सिस्टम ही ख़राब हो गया इसकी अगर आप तारीख में जाएं तो जो सिंधी मीडियम स्कूल्स थे कराची में उनको बंद किया गया बिल्कुल शुरू में um, because they were not considered of value. When you don't consider somebody's culture to be of value, then you don't consider them as human beings to be of value. तो जो बंगाली थे आपने जब कल्चरली उनको रेलिकेट किया जब आपने कहा आपकी जबान मैटर नहीं करती अपनी तारीख अपनी हिस्ट्री अपना कल्चर सब भूल जाओ आज से तुम लोग बोलोगे सिर्फ उर्दू दे वर नॉट रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बींग्स और आजकल कल बलोच लोगों के बारे में भी इस तरह की सोच पाई जाती है uh, सरायकी लोगों के बारे में भी इस तरह की सोच पाई जाती है सिंधियों के बारे में भी इस तरह की सोच पाई जाती है पश्तूनों के बारे में भी इस तरह की सोच पाई जाती है इस कॉन्टेक्ट को रखते हुए डिटर्मन होता है कि जॉक का टारगेट क्या है आप अगर पंच अप कर रहे हैं या पंच डाउन कर रहे हैं बिकॉज लेट्स लेट्स टॉक अबाउट पश्तून कल्चरल आर कल्चरलर इन सोसाइटी आर वेरी पॉपुलर इन सोसाइटी एंड दैट ड ऐड्स टू हेट फॉर पश्तून उसके जब आई डी पीज़ भी थे पंजाब में इस तरह की खुल के बात की जा रही थी कि हम इनको आने नहीं देंगे या अगर कराची में पश्तून आते हैं तो हम कहते हैं भाई गैर मुकामी लोग आ गए हैं क्यों या तो आप कहें या आपका मुल्क है बलोच लोग अगर इस्लाबाद जाते हैं उनको मारा जाता है कि आप लोग कैसे इस्लाबाद आ गए एक तरफ आप इन सब लोगों को कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान है आप अपनी एथनसिटी भूल जाएं आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाएँ अपना कल्चर भूल जाएं आप पाकिस्तानी बन जाएं और ये लोग जब पाकिस्तान के शहरों में आते हैं तब आप इनको डंडे मारना शुरू कर देते हैं तब आप बोलते हैं आप यहाँ पर बिलोंग नहीं करते गो बैक टू वेर यू केम फ्राम जिस तरह का सलूक शायद हमारे साथ अमेरिका या कैनेडा में किया जाता है जहाँ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हम जाते हैं उस तरह का सलूक पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ होता है बेस्ड ऑन देयर एथनिसिटी उस कल्चर में उस में उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप टी वी पर बैठकर हर कैरेक्टर देखेंगे तो उसको हम बोलेंगे यार ये पठान है और ये जाहिल आदमी है मैं मुझे एक टी वी शो ऑफर हुआ था ईद का उन्होंने बोला हम पहली एपिसोड बनाएंगे कॉमेडी का एक चैनल थे उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला हमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है कॉमेडी की कई साल पहले की बात है मैंने बोला दिखाएं स्क्रिप्ट तो नहीं वो हम इम्प्रोवाइज़ कर लेंगे आपका जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक पठान आदमी जाता है आ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने पठान बोला था वैसे पश्तून बोलना चाहिए और वो बकरा ईद पे बकरा लेने जाता है लेकिन जब वो घर आता है तो वो घधा लेकर आया हुआ है आई एम लाइक व्हाट्स द जोक इन दिस वो बकरे की पकड़े की जगह घधा ले आए ना ऐसे हाँ बट इसमें जोक क्या है पठान लोग इतने जाहिल होते हैं कि वो बकरी और गधे में फ़र्क नहीं पता होता उनको तो वो बकरी समझ के गधा ले आया था फिर इससे कॉमेडी कर लेना इस तरह की कॉमेडी इस तरह के आइडियाज टीवी पे बन रहे हैं अगर आप सारे जो पश्तून ड्रामे हैं हमारे वो देखें उसमें कराची के एक्टर्स पंजाबी एक्टर्स जो हैं वो वही पुराना फेक एक्सेंट जो होता है कि यार मर्द को मर्द हो के औरत से प्यार करता है तेरे को शर्म नहीं आई थी जो कि के, के पी के जो लोग हैं बोलते हैं हमारे यहाँ इस तरह लोग बोलते भी नहीं हैं आप उसको सिर्फ कैरी कैचर बनाने के लिए और सारे ड्रामों की जो थीम्स भी देखें कि जी इनके हाथ में तो क्लैशनक ऑफ है ये इनका कल्चर है आप अगर उसकी तारीख में जाएं तो ज़ियाउल हक ने अमेरिकन डॉलर्स लेकर बच्चों के हाथों से किताबें लेकर उनके हाथों में ए के फोटी सेवन्स दे दी कलैशनक ऑफ कल्चर आम किया आपने पाकिस्तान की जो हमारी एलीट स्टेटस को है उनके पेट भरनों के भरने के लिए पश्तून बच्चों को जिहाद की तरफ पुश किया आ, उनको पढ़ाई से दूर किया तो वो आपको वो नहीं बताएंगे वो आपको बादशाह खान की हिस्ट्री नहीं बताएंगे वो आपको जिस तरह की स्कूलों में बातें हो रही थी या इंटेलेक्चुअल डिबेट्स हो रही थी या जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी उसके बारे में उसकी तारीख नहीं बताएंगे उन स्टोरीज़ पर ड्रामे नहीं बनेंगे ड्रामे बनेंगे कराची लाहौर में और उसमें हमेशा पश्तून अपनी बहन का कतल कर देगा गोली मार देगा सारे ऑनर पर होंगे उस तरह की चीज़ों पर होंगे नॉट टू सेज थिंग्स डोंट हैपन दे डू हैपन बट यू ओनली प्रमोट अ सर्टन आइडिया ऑफ दैम एंड कॉमेडी इज़ ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम डायनेमिक वे आर द मोस्ट पावरफुल एलीट क्लास इन पाकिस्तान डिसाइड्स वट गोज ऑन टी वी वट दे विल प्रमोट एंड वाई दे विल प्रमोट इट ठीक है इसमें जो इंसान कर रहा है शायद उसकी नीयत बुरी ना हो लेकिन वो एक वाइडर मशीन का हिस्सा है और ये हमें समझना पड़ेगा और जिस तरह मैं बात कर रहा था ज़रूरी नहीं है कि कोई टॉपिक अगर आप चूज़ कर रहे हैं जिस तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद मोस्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ऑफेंसिव हो मोस्ट ऑफ़ पाकिस्तान के लिए कंट्रोवर्शियल हो वो मैं पॉडकास्ट में भी करता हूँ उन पर मैं कॉमेडी शोज भी करता हूँ लेकिन लाइक आई सेड द टॉपिक एंड द टारगेट ऑफ द जे जोक आर सेल्डम द सेम थिंग मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं स्टेटस को सबवर्ट वर्ड करूँ अगर मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं टिकट और इंस्टाग्राम रील्स देख रहा था उस पर किसी खातून का एक जोक था शी सेड मैं आजकल मर्दों के लिए पिकअप लाइंस इस्तेमाल कर रही हूँ ट्राई कर रही हूँ सो फार वन दैट आई फाउंड टू बी द मोस्ट इफ़ेक्टिव मोस्ट पॉपुलर इज़ नो अब कहने को ये एक नॉन कंसेंशुअल असॉल्ट पर जोक है क्योंकि जो बहुत सीरियस चीज़ है जनरली uh, अगर आप बोलें भाई इसका मजाक इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इस चीज़ का मजाक लेकिन अब आप कॉन्टेक्स्ट को समझें कि एक औरत जबकि ये ओवर वेलमिंग मेजोरिटी से असोल्ट इज कमिटेड बाई मैन ऑन वूमे एंड इवन वैन इज कमिटेड बाई मैन इट्स कमिटेड ऑन अदर मैन इट्स बाय मैन वेरी फ्यू केसेस वेर वेमेन कमिट सेक्शुअल असल्ट ऑन मैन वो इस चीज़ का मजाक उड़ा रही है कि जो मर्द हैं हमारी सोसाइटी में उनको नो नहीं समझ में आता उनको कंसेंट नहीं समझ में आता उनको लगता है औरत का नो कहना जो है वो हाँ हैं ये अली ज़फर ने कई साल पहले ट्वीट भी किया था कि औरत अगर ना बोले तो वो उसको आप हाँ समझें तो लुक एट वॉट इज़ बींग मेड फन ऑफ लुक एट हु इज मेकिंग फन एंड लुक एट हु द टारगेट ऑफ दैट जोक इज तो अगर हम असोल्ट के कॉन्टेक्ट में देखें मर्द जो हैं वो ओवरवेल्मिंगली परपट्रेटर्स होते हैं और जो है वो ओवरवेलमिंगली विक्टम्स होती हैं तो जो विक्टम है वो पर्पट्रेटर का मजाक उड़ा रहा है द टारगेट इज द पावरफुल ग्रुप इन द सोसाइटी सो दिस जोक इज़ पंचिंग अप मैं हमेशा अपनी कॉमेडी में जरूर ये कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों को सामने रख कर कॉमेडी की जाए ऑब्वियसली आई मेक मिस्टेक्स अगर आप लाइव कॉमेडी शो पे आएंगे तो आप देखेंगे कि मैं जो बातें कर रहा हूँ शायद निन्यानवे फ़ीसद मेरा शो उस पर या नबे फ़ीसद मेरा शोज़ पर हो या अस्सी फ़ीसद मेरा शोज़ पर हो गलतियाँ हो जाती हैं कॉमेडी में स्पेशली लाइव कॉमेडी में स्पेशली इम्प्रोवाइज कॉमेडी में मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेले कुल हूँ और मेरी कॉमेडी सबसे बेहतर है मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो सोशल सब वर्जन है ये जो सेटायर है मैं इसको हमेशा मद्देनज़र रखता हूँ और इसकी बेसिस पे औरों का भी काम जज करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अपोज टू जस्ट मेकिंग पीपल लाफ एंड अगर कोई किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा है सुनिए पहले कि वो किस बात पर कर रहा है क्यों कर रहा है अगर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि कुछ लोग हमारे यहाँ लेजेंड्स हैं और कुछ लोग हमारी कल्चर और सकाफत के फेसेस हैं और कोई इनके बारे में बात भी नहीं कर सकता और कोई इनके करीब भी नहीं आ सकता अमान साहब की यहाँ पे मौत हुई उनको तो खबर भी नहीं मिल रही थी उनकी जो फैमिली है उनको लड़ना पड़ा उसके बाद जब अलहमरा पे उनके लिए एक इवेंट किया गया उस वक्त जो हमारे स्टेट और गवर्नमेंट की तरफ़ से फ़ाज़ुल चौहान आए थे उन्होंने ऐसे कोई तकब्बर में ऐलान किया कि अच्छा हम इतने लाख दे देते हैं उनको कि तालियाँ बजेंगी उसके बाद सुहेल अहमद ने जाकर जो उनको जलील किया था शायद वो यूट्यूब पर भी होगा कि स्टेट होता कौन है इतने बड़े टैलेंट को इस तरह ट्रीट करने का कई हमारे टैलेंट हैं ऑब्वियसली मुझे ख़ुद भी नहीं पता होगा क्योंकि मैं इन जबानों से वाकफ़ नहीं हूँ जो पशतों में शेक्सपियर हैं जो सिंधी में शेक्सपियर हैं जो बलोची में शेक्सपियर हैं जो पंजाबी में शेक्सपियर हैं लेकिन पाकिस्तान प्रॉपर जिसको रफ़ील्ला साहब कहते हैं हमने उनको वो रुतबा नहीं दिया जो हम उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को हम नेशनल लैंग्वेज हमने कंसिडर किया हुआ है इसीलिए बार बार लोग मुझे शायद तनकीद भी इस बात पर करते हैं कि हो गया ना उर्दू हो गई इतना क्यों फोकस करते हो ऑल दीज थिंग्स स्टेम फ्राम दैट आइडिया दैट सर्टन क्लास ऑफ पाकिस्तानीज़ आर पाकिस्तानीज़ एंड एवरीबडी एल्स मीन्स नथिंग अगर आपको पशतो आती ही नहीं है अभी फसीजा का जब पॉडकास्ट पाए हुए थे मैंने उनसे पूछा मुझे बताएँ आपके फेवरेट पशतो लिरिक्स कौन से होते हैं जब मैंने उनसे सुना फिर मैंने जाके और देखा देवर सो ब्यूटिफुल देवर सो ब्यूटिफुल के आप उर्दू शायरी शायद भूल जाए लेकिन क्योंकि वीव नेवर बिन टोल्ड दैट एनी थिंग ऑफ वैल्यू कैन कम फ्राम द पश्तो लैंग्वेज कैन कम फ्राम द सिंधी लैंग्वेज वी थिंक ऑफ इट एज अ पनिशमेंट कि अगर सिंधी पढ़ाई जा रही है कराची में तो ये तो अजियत है ये तो हम पे जुल्म है क्योंकि हमें लगता है कि द सिंधी कल्चर हैज़ नो वैल्यू जब ये आइडियाज परमिएट हो जाए पॉपुलराइज हो जाए उससे एक ही स्टेप दूर है फिर कि अगर इनके कल्चर में कोई वैल्यू नहीं है तो इन लोगों में भी कोई वैल्यू नहीं है ये चीज़ें हमेशा क्लियर हो जाती हैं जब आप इसराइल पैलेस्टाइन पे ये चीज़ें रख के समझें इसराइल थिंक्स द पीपल ऑफ़ पैलेस्टाइन हैव नो वैल्यू उनकी यूनिवर्सिटी या उनके स्कूल्स उनकी, स्कूल, उनकी लाइब्रेरीज़ अगर तबाह हो जाती हैं उनको लगता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम बस ये तोड़कर नए बना देंगे इनके कल्चर इनकी ज़ात और इनकी ज़िंदियाँ तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जब हम यही हरकत हमारे कल्चर के साथ करते हैं तो जो क्लास ऑन टॉप है जो परपट्रेटर्स हैं वो विक्टिम के परस्पेक्टिव से कभी सोच नहीं सकते इतनी सी हम लोगों ने बात की थी आ, उस पर लोग आग बगोला हो रहे हैं नाराज हो रहे हैं और अगर इस नाराज़गी से ये होता है कि हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं और कल को इस तरह की जो कॉमेडी है वो नहीं की जाती या उसको इतना बेहतर नहीं समझा जाता है एक एवोल्यूशन होती है तो जो अभी हम कैंसिलेशन फेस कर रहे हैं ठीक है Uh, अभी तो अच्छा नहीं लग रहा हमें जो कमेंट्स आ रहे हैं या जिस तरह लोग उसके आउट ऑफ कॉन्टेक्ट क्लिप्स को वायरल करने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं लेकिन होपफुली दिस विल ओपन अप वाइडर कॉन्वर्जेस इन सोसाइटी एज टू वाट एग्जैक्टली लिटरेचर इज़ टू वाट एग्जैक्टली कॉमेडी शुड बी एंड हमारे भी थोड़े जहन खुलेंगे अबाउट अदर काइंड ऑफ कॉमेडीज़ जॉर्ज कार्लिन भी एक कमेडियन है अक्सर लोग अगर उनके देखेंगे तो उनको वो एक लाफ आउट लाउड फनी नहीं मिलेगा बट ही स्टिल कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कमीडियंज इन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ़ हाउ थाट प्रोवोकिंग हिज़ आइडियाज़ वर हम भी जब बचपन में मोबाइल्स नए नए आए थे तो रसल पीटर्स की क्लिप्स बहुत वायरल होती थी और हमें बहुत पसंद आती थी और स्पेशली हमें और मेरे दोस्तों को लगता था इससे फ़नी तो कोई चीज़ भी नहीं हो सकता हम उसको मिमिक भी करते थे लेकिन अब रसल पीटर्स नहीं है दुनिया के नंबर वन कमीडियन आप समझिए लाइक डेव शिफेल इज देयर राइट क्योंकि अब उनको समझ में आ गई है कि किसी का जू का जू होने पर या इंडियन का इंडियन होने पर विच स्टिल फाइन बिकॉज रसल पीटर्स इज इंडियन ही कैन मेक फन ऑफ इंडियन बट मैक्न्स का मैक्सिकन होने पे वो मजाक उड़ाना ठीक नहीं है सोसाइटी में तो वो एवोल्यूशन आएगी हमारे यहाँ भी आएगी ये डिस्कशन होने बहुत ज़रूरी हैं तो जो लोग कह रहे हैं कि ये डिस्कशन होना नहीं चाहिए था मैं उनसे बड़े इज्जत से डिसग्री करता हूँ ये ओपन करें कॉन्वर्जेस लोगों का काम क्रिटिकली देखें लोगों को अलाउ करें कि यार वो फैसला कर सकें कि अगर आप पावर के साथ जुड़कर कॉमेडी कर रहे हैं अगर आप स्टेट फेस्टिवल्स पे कॉमेडी कर रहे हैं और आप स्टेट नैरेटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं अपने ड्रामों से अपने आर्ट से तो आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते फिर जब वो स्टेट आपके प्रमोट किए हुए नैरेटिव्स की बेसिस पर आ, वो करता है जो सेवेंटी वन में हमने किया आप अपने आप को से अलग नहीं कर सकते क्योंकि आपने एक हिस्सा डाला है लोगों की जहन साजी में लोगों को आ, उनकी आइडेंटिटीज़ के बारे में उनको अशेम्ड फील करवाने में आवाम में नफ़रतें जगाने में फॉर अ सर्टेन एथनिसिटी फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल यू आर इक्वली कल्पेबल सो दीज डिस्कशंस नीड टू हैपन सो दैट आर नेक्स्ट जनरेशन

कि शायद आफरीदी एक पठान है उनको आपने एड्स में बच्चों के साथ डाल दिया ये तो बड़ी आ, अजीब बात है तो ये जोक कहाँ से आ रहा है राइट ये जो हमें मैसेज पे फॉरवर्ड हो रहे होते थे जोक्स वही मुझे लगता था फनी है वही मैंने जाके जब पहली दफ़ा स्टैंड अप किया मैंने उसी तरह की बातें की उससे मैंने सीखा कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ फिर मैंने अपने काम को रिव्यू किया उसको बेहतर 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 करने की कोशिश की तो आजकल भी जिस तरह की मैं बातें करता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये वर्कर हैं या ये कॉन्ट्रोवर्शियल हैं आई डोंट फाइंड लैंग्वेज ऑफेंसिव आई ट्राई एंड क्योंकि मेरा काम है ये क्योंकि मेरी पढ़ाई इसी चीज़ में है क्योंकि मैंने इसकी पूरी तारीख पढ़ी हुई है मैं उसको इतना सिंपली नहीं देखता कि गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो गंदा हो गया है मैं उसको बहुत क्रिटिकली देखने की कोशिश करता हूँ मैं उसको अनपैक करने की कोश कर कोशिश करता हूँ कि कौन मजाक उड़ा रहा है किसका मजाक उड़ा रहा है किस बात पे मजाक उड़ा रहा है एक रूल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ कि यू मेक फन ऑफ व्हाट दे डू नॉट हु दे आर ऑब्वियसली इस चीज़ को भी कॉन्टेक्स में रखने की ज़रूरत है अगर कोई फ़लस्तनी नितिन का मजाक उड़ाता है फॉर ओ बंग ओल्ड एंड सीनाइल तो ये जो एक कैंसिल कल्चर हमने बना दिया है कि हम नॉनसेंस उठा लेते हैं Uh, जिसको कहा जाता है दैट यू मिस द फॉरेस्ट फॉर दिस ट्रीज़ सो इफ़ यू स्टार्ट बीइंग लाइक योर एज शेमिंग नितिन याहू नो लुक एट द फैक्ट दैट नितिन याहू एक जेनोसाइड कर रहे हैं एक कॉम के ख़िलाफ़ तो उस कॉम का इंसान अगर नितिन याहू को बॉडी शेम करता है अगर uh, उनके एज शेम करता है मुझे इस जोक में कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता लेकिन ऑब्वियसली अगर कोई इसराइली किसी फ़लस्ती के साथ ये करता है तो कॉन्टेक्स बदल जाता है डायनामिक्स बदल जाते हैं तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख कर कॉमेडी uh, को देखा करें या मैं सारी चीज़ें मद्दनज़र रख कर कॉमेडी को देखता हूँ एनालाइज़ करता हूँ उसके बारे में बात करता हूँ शायद इससे ज़्यादा संजीदा डिस्कशन कॉमेडी पे आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना हो लेकिन आई एम ग्लैड एटलीस्ट दिस कॉन्वर्जेस आर हैपनिंग एंड डिस्पाइट द करेंट wall of hate that I am facing, yeah, Adil Bhai and I faced when we had this discussion, when he came on the podcast. These conversations are happening and uh, in the long run, I do think something good will come out of it.